नेपाल का अपना एवरेस्ट बेस कैंप की जो भी जर्नी है ना वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने एवरेस्ट बेस कैंप की जर्नी दिखाऊंगा जो कि मैंने 5 जून को दिल्ली से स्टार्ट की थी और मैं काठमांडू 5 जून को ही पहुंच गया था और वहां से फिर हम गए थे नेक्स्ट डे लुकला को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीचे लुकला है और लुकला से हमारे को जाना है एवरेस्ट बेस कैंप जो कि पूरा ऊपर है ये वाला। तो ये पूरा ट्रैक 65 किलोमीटर का है और 9 डेज हमारे को लगे थे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। ब्यूटीफुल, और यहाँ ठंड भी काफ़ी है और यहाँ का टेम्परेचर अभी 17 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो अभी मैं लुकला पहुँच गया हूँ और यार क्या सुंदर वेदर हो रहा है। 16 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पर, ठंड है मतलब। और ये देखो यार पीछे व्यूज देखो, वाओ मैन, ये पीछे वाओ। और ये एयरपोर्ट है लुकला का, सबसे मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट है। फ्रेंच टोस्ट वी आर ईटिंग, हाउ इज द टेस्ट? मीट, चीज, चीज, गुड गुड, ओके। तो यार ठीक है, सोसो है, मेरे को तो सोसो लग रहा है। और बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर हर चीज़, फूड बहुत एक्सपेंसिव है। ये 550 नेपाली रुपीस में है। पसंग लामू गेट, यहाँ से परमिट मिलेगा खुम्बू रूरल म्यूनसिपैलिटी। यहाँ पर परमिट अराउंड 2000 रुपीज़ का है। लुकला से पाकडिंग 4 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर डिसेंट है, मतलब कि लुकला 2800 मीटर था और पाकडिंग जहाँ हम जा रहे हैं अभी 4 किलोमीटर दूर है, 42600। ये देखो हेलीकॉप्टर ऊपर, वो कहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना वेदर भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। अभी धूप थी बहुत ज़्यादा, अब बारिश शुरू हो गई है, धीरे धीरे बूंदें सी पड़ रही हैं, तो बहुत जल्दी चेंज होता है और ठंड भी बहुत तेज़ लगती है। तो अभी चल रहे हैं और मैं ग्रुप में अभी सबसे आगे हूँ, अभी पीछे है मेरे काफ़ी। हॉर्स लॉज एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पर अपना लंच है। ये देखो सही ब्यूटी, अभी हम 4-3 लोग हैं बस यहाँ पर। ये कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, फाउंटेन है, ये देखो। और 8 किलोमीटर का अपना ट्रैक है और हमने एटलीस्ट 4 किलोमीटर समथिंग कवर कर लिए है। ये पीछे लंच ब्रेक है यहाँ पर जो है, तो अब सारे के सारे जितने भी ट्रैकर्स हैं ना वो यहाँ आएंगे। अभी हम 3 ही बंदे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए जो बैठे हुए थे। और ये व्यू देखो यार, अभी यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी 4 या 3 किलोमीटर का, ज़्यादा नहीं है लेकिन ये इजी ट्रैक है ज़्यादा। आज वाला डे 2 का जो ट्रैक है ना बहुत ईजी है। सामान भी आ गया, होटल भी आ गया, होटल शेरपा पार्किंग, क्या सही व्यूज़ है ना, जस्ट होटल के सामने। हाँ क्या सही व्यूज़ है, ये देखो
तो आज का स्टे हमारा यहाँ पर होने वाला है और ये सारी याक्स हैं जो कि हमारा सामान लेके आई हैं। रूम दिखाता हूँ मैं, 133 भाई, ये ऑसम वाला रूम है, देख रहे हो, ये फुल तखत है, हार्ड कोर। ये देखो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और व्यूज़ तो भाई ऑसम, ये देखो अल्टीमेट व्यूज़ मैन। आज नॉर्मल ट्रैक था जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और कल है ट्रैक, वो भी लंच के बाद टफ ट्रैक आने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं शेरपा हमने हमारे जो हैं, उन्होंने कहा कल के लिए रेडी रहो और आज आराम से स्टे करेंगे। अभी 5:30 बजे आज फुल नाइट है अपने पास, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे या 6 बजे निकलना है अपने को। रात में हमने खाया दाल भात जो कि काफ़ी फेमस है नेपाल में, और फिर हम चले गए सोने के लिए क्योंकि हमारे को मॉर्निंग में जल्दी उठना था। ये सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉजेस हैं जो कि आपको फुल ट्रैक पर ईजिली मिल जाएंगी, मतलब ऊपर तक तो नहीं, थर्ड डे जो हम नामचे बाज़ार जा रहे हैं वहाँ तक तो ये मिलते रहेंगे आपको। और आप यहाँ पर आकर खुद से भी बुक करा सकते हैं लॉजेस, क्योंकि गाइड लेना मैंडेटरी नहीं है। अभी नया रूल आया है नेपाल गवर्नमेंट का, तो अगर आपको गाइड नहीं लेना, लेकिन फिर भी सजेस्ट ये करेंगे कि गाइड ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो तो आप गाइड ना भी लो तो भी फुल ट्रैक आपको दिखते ही रहेगा, और यहाँ पर लोकल्स आपको मिलते रहेंगे, मतलब जो है ना, और ट्रैकर्स भी आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, तो इतना दिक्कत नहीं होगी। जितना भी फूड है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो नेपाली रुपीस आप कैरी करके चलो, एटलीस्ट 40,000-50,000, एटलीस्ट 40,000 तो कंपलसरी है केवल इस ट्रैक के लिए। फूड के लिए प्लस वाटर के लिए आपको हॉट वाटर ज़रूरत पड़ेगी, वो भी पैसे में। आपको चार्ज करना है ना, चार्जिंग करनी है मोबाइल, कुछ भी चार्ज करना है तो उसका भी पैसा लगेगा, एवरीथिंग इज चार्ज। ये फार्मिंग हो रही है यहाँ पर ना, पोटैटो की फार्मिंग हो रही है, कैबेज है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, और जो भी यहाँ मिलता है ना महंगा इस वजह से भी क्योंकि ये सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ये आपको दिख रही है ना जितनी ये विलेजेस में, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो इस वजह से भी एक्सपेंसिव है यहाँ पर खाना। तो यही आपको दिखाना था, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्या है कि ये समर सीज़न है तो इस वजह से फार्मिंग सबसे ज़्यादा अभी होती है, नहीं तो बाकी टाइम तो विंटर्स में तो ये फुल स्नो से कवर्ड रहते हैं ये एरिया पूरा का पूरा। नामचे डिस्टेंस 6 किलोमीटर है अभी जहाँ हमारे को आज का स्टॉप है, और लुकला डिस्टेंस है 13 किलोमीटर जहाँ से हम आ रहे हैं, कल चले थे और आज हम पार्किंग से चले हैं। डिस्टेंस 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं आज, 3 आवर्स वॉक हो गई है, और सागर माथा नेशनल पार्क में अब हम एंटर करने जा रहे हैं। तो क्योंकि हमने पैकेज लिया है तो हमारे को इसमें एंट्री फीस नहीं देनी है, तो अपने को इस तरह से ऊपर चलना है, और अभी तो और इंक्लाइन आने वाला है। ये देखो आगे मेरे से आगे वो दो बंदे जा रहे हैं, वो भी साथ के हैं, और इस तरह से अभी तो चलना है। आगे बता रहे हैं फुल इंक्लाइन है, 0.5 किलोमीटर इंक्लाइन है नामची बाजार तक, तो यहाँ से 6 किलोमीटर है जहाँ हमने लंच किया था वहाँ से, और मोंजो एरिया लगता है ये, तो अब वहाँ से ही जा रहे हैं। अब देखो कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे लगेंगे हमारे को वहाँ नामची बाज़ार पहुँचने में। तो इस तरह से अपने को सीधा ऊपर जाना है, ये जो आ रहे ना ये ऊपर ट्रैक जा रहा है, वो सामने ऊपर देख रहे हो, ये पूरे माउंटेन को ऊपर क्रॉस करना है फुल वर्टिकल हाइट, और उसके बाद नामचे। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ से आ रहे हैं हम नीचे से, ये आप देख सकते हो अब कितना वर्टिकल है। नामचे बाज़ार जहाँ जा रहे हैं नामचे, तो वो जो हाइट है वहाँ की 3,400 मीटर हाइट है, और हम जहाँ से आ रहे हैं फागडिंग उसकी हाइट है 2,600, तो जो हमारा
आज का जो एलिवेशन है ना वो 800 मीटर्स का है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी हाइट है। तो अब आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड का हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज। वाओ, सी दिस। नामचे स्वागत द्वार, नामचे स्वागत द्वार। ब्यूटीफुल। तो अपना ट्रैक पूरा कर लिया हमने नामचे तक का, आज का इसे अपना नामचे में। और देखो यार क्या सुंदर व्यू आ रहा है ना, फुल पहाड़ों का। काफी बड़ा है नामचे। अब हमारे को 2 दिन यहीं पर रेस्ट करना है। ये याक्स आ गए हैं सामान देके। और वाओ, दिस इज़ आवर होटल। 2 दिन अपना यहीं पर रेस्ट करना है, बॉडी को एक्सरसाइज करना है। ये देखो, वाओ यार कितना सही रूम है। और आपको व्यूज़ दिखाता हूँ, टू साइड व्यूज। ये देखो भाई ऑसम है। और ये देखो गजब व्यूज। हमारा होटल है ये बैक साइड में, जहाँ हमने स्टे किया था 2 दिन के लिए। और 2 दिन के स्टे के बाद या 2 नाइट्स के स्टे के बाद अब हम जा रहे हैं आज डिबोचे। डिबोचे हमारे को रुकना है। और आज की जो जर्नी होने वाली है ना, आज का जो ट्रैक होने वाला है वो 11 किलोमीटर का ट्रैक है। और नाइट स्टे हमारा डिबोचे में होगा, उसके बाद फिर अगले दिन डिम्बोचे जाना है। सारे नए नाम एक जैसे हैं। सी द व्यू मैन, अमेजिंग व्यू। ये देखो वो नीचे हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो जा रहा है। कम ऑन मैन, सी दिस 360 डिग्री। वाओ भाई अमेजिंग। और हम देखो नीचे से आ रहे हैं, वो आ रहे भैया यहाँ से, हम आ रहे हैं नीचे से ये। तो मेरे पीछे लोकल्स जा रहे थे। इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ, फुल पेड़ों से घिरा हुआ है ये रास्ता। लेकिन आगे फिर से धूप शुरू हो जाएगी फुल ट्रैक पर। इस पूरे ट्रैक पर लगभग सनलाइट ही मिलेगी आपको। कुछ कुछ पैचेस होंगे जहाँ पर आपको सनलाइट नहीं मिलेगी और ग्रीनरी मिलेगी। तो ये देखो यार क्या माउंटेन पीक्स हैं, जो भी आपको दिखाया ना वो देखो वो पीछे। इसमें पता नहीं कैसे नहीं जो भी आपको दिखा दिया ना, समझ सकते हो। चलो आगे चलते हैं ट्रैक। और काफ़ी ज़्यादा स्टीप डिक्लाइन है, तो नीचे आके फिर अपने को ऊपर जाना है 3800 हाइट पर। तो अभी नीचे जाकर उतर के रिवर फ्लो कर रही है और वहीं पर अपना लंच है। या वेरी क्लोज। लंच करने के बाद सीधा डिफिकल्ट वाला पैच पकड़ा है हमने, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रैक था ना उसमें तो मज़े ही नहीं आ रहे थे। पीछे के व्यूज आप देख ही रहे होंगे, टॉप ऑफ द माउंटेन एकदम ऊपर पहुंच गए। और अपने को डिबोचे जाना है। डिबोचे यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर है। जो मेन हार्ड ट्रैक था ना वो हमने कवर कर लिया। नमस्ते सी मैन। ये पीछे माउंट एवरेस्ट उस साइड में है, हमारे को उधर ही जाना है। वाओ यार 360 डिग्री, अमेजिंग मैन, मज़ा आ गया। जहाँ तक मेरा सवाल है तो आई एम गुड मैन। मज़े आ रहे हैं मेरे को ट्रैक करने में, और मतलब कोई थकान नहीं है। मतलब अब तो वैसे भी कोई थकान नहीं होगी क्योंकि अपने को नीचे जाना है। कितना अच्छा लग रहा है ना ये पूरा ग्रासलैंड, ये फुल नीचे ऊपर इतना माउंटेन। ये जो जा रहा है ना ये माउंट एवरेस्ट है। ये आप देख सकते हो जो इस टेक है ना ब्लू वाली, दिस वन, ये माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ से कितना पास दिख रहा है, अभी अपने को और पास जाना है।
तो 2:30 पर हम आ गए हैं अपने होटल पर और आज का स्टे यहीं पर है। कल हमारे को जाना है डिम्बोचे, तो आज का ट्रैक यहीं कंप्लीट है। 09 रूम नंबर। और ये देखो, और इससे ज़्यादा सुंदर है ना ये एवरेस्ट का व्यू यहाँ से। वो एवरेस्ट है ये जो है ना, यहाँ पर एवरेस्ट का व्यू है। तो अभी हम ये वाला हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करके आ रहे हैं और इस रूट पर बहुत सारे हैंगिंग ब्रिज मिलेंगे। और ये नीचे रिवर फ्लो कर रही है, व्यूज़ तो यार अमेजिंग। और माउंट एवरेस्ट, ये जो माउंटेन है ना उसके बैक साइड में। सो दिस इज अमादवलम, आप देख रहे हो। इसमें एक तो कैप्चर नहीं होता ना, जो हम देख सकते हैं वो आप नहीं देख पाओगे। ये देखो, ये जो माउंटेन पीक है ना, ये दिख रही है जो अमादवलम। हाँ चलो अभी ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ना भी तो है ना, हम भूल कैसे जाते हैं कि हम ट्रैक कर रहे हैं वर्ल्ड का हाई, वर्ल्ड का टफेस्ट टॉलेस्ट एंड टफेस्ट ट्रैक। लेकिन अपने लिए तो इजी एंड मॉडरेट टाइप का है, मस्ती करते हुए जा रहे हैं फुल ऑन। तो अभी हम पेंगबोचे आ गए हैं और 3,985 मीटर हाइट पर है ये लवाजा। और यहाँ अपने को ऊपर जाना है, ये देखो ये ऊपर चढ़ के जाना है। तो अभी इससे आगे एक विलेज आएगा, वहाँ अपना लंच होने वाला है जहाँ तक है। तो चलो अराउंड 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया आपने। यहाँ बीच बीच में विलेजेस में आपको ऐसे शॉप्स भी मिलेंगी जहाँ आप ट्रैकिंग के लिए इक्विपमेंट गियर्स खरीद सकते हो। ये देखो, लेकिन सब चीज़ कॉस्टली मिलेगी आपको। पेंगबोचे विलेज क्रॉस कर लिया आपने और ये आपको ट्रैक दिख रहा है ना, ये इस तरह से वो ट्रैक जा रहा, वो सामने वो ऐसे करके ना ऐसे जाना है। एक तरह से ना सीधा ट्रेल है आज का, बीच बीच में थोड़ा इंक्लाइन भी चढ़ना पड़ता है और नीचे उतरना भी थोड़ा पड़ता है। लेकिन वैसे जो है ना आज का जो ट्रैक है ईजी है। और आने वाले ज़्यादातर जो अब ट्रैक है ना 4-5 दिन के, वो लगभग ऐसे ही मिलने वाले हैं। देखो मेन बात ये है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फिटनेस, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आप डेली कोई ना कोई वर्कआउट करते हो, तो आप इजीली आपको मतलब मॉडरेट लगेगा ये। और अगर कोई वर्कआउट नहीं करता बिल्कुल भी और वो एकदम से ट्रैक के लिए आ जाए, तो वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है ये ट्रैक। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा जो बिगनर्स हैं उनको ठीक है, डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप व्यू तो देख ही रहे हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है और ये मेरे इनको सामने एवरेस्ट दिख रहा है और पीछे वैली का व्यू। सामने से बहुत तेज़ हवा आ रही है, देखिए इतना सुंदर व्यू है ना। पीछे देखो, ये देखो सही हवा आ रहा है ना, हमें ये सही है। तो जितना आगे आते जा रहे हैं ना, अब जो ट्रीज है ना, जो फॉरेस्ट एरिया था वो खत्म होता जा रहा है और अब हल्के हल्के ग्रास लैंड टाइप का शुरू हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हो ऊपर हम जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ना, यहाँ पर वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। एट लास्ट डिग्बोचे आ गया है और हमारे को ना ये डॉग फॉलो कर रहा है बहुत देर से। और मेरे सामने डिग्बोचे है। टोटल हमने 10 किलोमीटर आज कवर किया है। मैंने बताया ना डिस्टेंस का पता नहीं चल रहा, कोई 8 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 12। देखो 4410 मीटर हाइट डिग्बोचे। तो ये अपना स्टे आ गया आज का, और आज का नहीं कल भी अपने को यहीं स्टे करना है। तो 2 दिन का ब्रेक है यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट वीडियो 8th डे की वीडियो मैं करूँगा, क्योंकि कल कुछ नहीं करना, कल अपना रेस्ट है। तो वीडियो भी शायद मैं शूट ना करूँ कल, अब सीधा परसों यानी कि 8th डे। तो अब हम जा रहे हैं लबूचे और जस्ट अभी ट्रैक स्टार्ट किया है,
ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर कम ही है, आपको दिख रहा होगा सांसों की। तो आपको व्यूज़ दिखाता हूँ, ऑसम व्यूज़ चल रहे हैं, सुबह का 8 बज रहे हैं अभी। ये देखो कम ऑन मैन, फुल क्लाउड्स हैं, सारा क्लाउडी क्लाउडी है, देख रहे हो, अमेजिंग मैन, फुल ग्रासलैंड। और वो नीचे से आ रहे हैं, उस वाले माउंटेन से आ रहे हैं हम नीचे से, फिर ऊपर इंक्लाइन करके। ये और अपने को सीधे जाना है उधर, नीचे रिवर फ्लो कर रही है दूध कोसी, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा अभी फिलहाल। तो ये अपने को इंक्लाइन चलना है, ये आपको सीधा सीधा लग रहा होगा कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर ऐसे। और इतना ठंड है ना, बहुत ठंड है। अभी मैंने ग्लव्स उतारे अपने, केवल ये शूट करने के लिए थोड़ी देर के लिए, और फिर पहन लूँगा। विंड इतना तेज है ना कि चेहरे को ऐसा लग रहा है जैसे चेहरा फट जाएगा। वाह मैन, अमेजिंग। ये हमारा सामान लेके आ रहे हैं अपने सर के ऊपर, कितना हार्ड वर्क करते हैं ये। हम लबूचे पहुंच गए हैं, बहुत ही हल्का हल्का सा ना सर में हेडेक हो रहा है, बहुत ही माइल्ड, क्योंकि होती है, हमारे को नीचे बताया था कि हल्का हल्का हेडेक भी हो सकता है आपको। इतनी 5030 मीटर हाइट पर है हम लबूचे, थुकला से हम आ रहे हैं 3 किलोमीटर डिस्टेंस जहाँ हमने लंच किया था। और गोरखशेफ हमारे को जाना है कल, जो कि 3 किलोमीटर्स है, ज़्यादा दूर नहीं है। और एवरेस्ट बेस कैंप ये है 6 किलोमीटर, तो कल अपने को EBC जाना है। तो बैक साइड में अपना होटल है, और ये व्यू देखो यार, वो माउंटेन पीक। तो आज हमारा स्टे लबूचे में था, और अब हम जा रहे हैं गोरखशेफ। लबूचे से गोरखशेप 3 किलोमीटर का है, और आज हमारा day 9 है, और day 9 प्लस समिट डे भी है EBC का। तो आज हमारे को EBC पहुंचना है। तो गोरखशेप से EBC का जो डिस्टेंस है ना वो 3 किलोमीटर है, टोटल 6 किलोमीटर आज हमारे को चलना है। हमारा लंच तो नहीं, ब्रेकफास्ट गोरखशेप में अभी 3 किलोमीटर आगे चल के। और ये ट्रैक है वो बैक साइड में, ऐसे अपने को जाना है। और कल की तरह हमारे को ना रॉन्ग ट्रैक नहीं पकड़ना, अब आराम आराम से जाएंगे गाइड के साथ में, जिससे कि टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा 15 किलोमीटर का वॉक हो गया था कल। दिस इज नुक्ते माउंटेन, अभी क्लाउड्स के वजह से कवर हो गया, और वो देखो क्लाउड्स आ रहे हैं वहां से। कितना हार्ड है ये वाला पैच, लैंडस्लाइड जोन है, वो ऊपर से गए नीचे से नहीं गए। ये देखो हम वहाँ से आ रहे हैं बैक साइड से, और ये फुल लैंडस्लाइड जोन है, ये आप नीचे देख सकते हो, ये रिवर फ्लो कर रही है, और ये पूरा रॉकी पैच है इस तरह से। तो ये काफ़ी हार्ड है यार, क्योंकि अपना ना जो एंकल है ना वो ट्विस्ट होने का डर रहता है ऐसे वाले पैचेज में, फुल रॉकी। हम वहाँ से आ रहे हैं, चलो अब आगे चलते हैं। अभी तक का सबसे डेंजरस पार्ट फुल लैंडस्लाइड जोन था ये सारा, हम वहाँ से आ रहे हैं, वो देखो उस साइड से आ रहे हैं और ऊपर से, फुल लैंडस्लाइड जोन है ये, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पैच। ये रोहन जी आ रहे हैं, ओह सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पैच, फुल लैंडस्लाइड सीरीज, फुल ऑन। अभी अपने को उधर जाना है, चलो वो नीचे गोरखशेप है वहाँ पहुँच गए हम, और हम वहाँ से आ रहे हैं, वो जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना उस साइड से आ रहे हैं। आज का जो ट्रैक था ना वो डिफ़िकल्ट इस वजह से था क्योंकि एलिवेशन हमारे को 5000 मीटर पर हम ट्रैक कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था, प्लस लैंडस्लाइड जोन है सारा का सारा। ये देख रहे हो आप, ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, तो अपने को वहाँ से जाना है, ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है ऊपर से, वहीं बीच में हमारा ट्रैक वो नीचे जा रहा है।
तो ऐसा और इससे खतरनाक पैचेस अभी पीछे निकले हैं जहाँ मैंने शूट नहीं किया। तो अब बस हम पहुँच गए हैं, यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट है और ये सारे ग्लेशियर्स हैं, ये फुल ग्लेशियर, ये मेरे बैक साइड में ये फुल ग्लेशियर, क्योंकि क्लाउड्स है यार। इतना सुंदर व्यू है ना माउंट एवरेस्ट का, सारे व्यूज है यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा यार। चलो सुरक्षित चलते हैं और लंच करते हैं, वो सॉरी ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 9 बज रहे होंगे। तो होटल हिमालया ये है, पहुँच गए अपने और ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से सीधा जाएंगे हम EBC ट्रैक के लिए। और ये हाइट जो है ना 5180 meters, समझ रहे हो ना कितनी हाइट पर है। तो ये रेस्टोरेंट है इस साइड में, ये देखो। ब्रेकफास्ट करके अब चल दिए हम EBC के लिए और वो पीछे बैक साइड में अपना होटल है वहाँ पर, ब्लू कलर का जो दिख रहा है। और अपने को जाना है सामने एकदम स्ट्रेट, वो उधर बैक साइड में। तो अब यहाँ से अपने को 3 kilometers का वॉक करना है और 3 kilometers EBC सबमिट करके फिर लौट के इधर ही आना है। आज नाइट स्टे हमारा गोरखशेप में ही है, मतलब यहाँ ही पर है। फुल ऑन ऑक्सीजन की कमी है, मैंने चेक किया था मेरा कल आ रहा था 81 ऑक्सीजन, जो कि नॉर्मल है एक्चुअली। और मैं कोई डायमॉक्स नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादातर काफ़ी लोग डायमॉक्स ले रहे हैं तो उनका भी 80-82 ऐसे ही आ रहा है। तो हम बिना डायमॉक्स के 81 आ रहा है तो इट इज़ गुड। और कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की वजह से, तो ये तो है ही थोड़ा सा ना। रात में देखते हैं रात में कैसी नींद आती है। ये कुंभो ग्लेशियर बहुत ही पास आ गया, ये फुल ग्लेशियर। हम उधर से आ रहे हैं बैक साइड से, ये फुल लैंडस्लाइड जोन। सी दिस, बस थोड़ा सा पास और रह गया है EBC समिट। वो वाइट कलर का दिख रहा है ना, वो वाइट कलर वो है। तो आओ एवरेस्ट बेस कैंप, सी दिस, एट लास्ट हम आ गए। दिस इज कुंभो ग्लेशियर, जिस जहाँ हम रॉक पे चढ़ रहे हैं, जिस रॉक पे चल रहे हैं ना, वो भी ग्लेशियर है, इसलिए बहुत आराम से चलना पड़ रहा है। दिस इज ग्लेशियर, फाइनली वी रीच एवरेस्ट बेस कैंप। एवरेस्ट बेस कैंप हाइट 5364 meters, फाइनली एवरेस्ट बेस कैंप। सी दिस मैन, दिस इज कुंभो ग्लेशियर मेरे पीछे और यहाँ से रास्ता जाता है एवरेस्ट के लिए, माउंट एवरेस्ट के लिए। और फाइनली आई हैव डन इट मैन, जो फीलिंग आ रही है ना यार, ऑसम मैन, ऑसम। कम ऑन, मॉडरेट लेवल ट्रैकिंग है एवरेस्ट बेस कैंप की और इसको बिगनर्स कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इस हाइट के लिए ना अपने आप को प्रिपेयर करना है और आप आराम से एवरेस्ट बेस कैंप तक आ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यहाँ से, और आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ और अपने एवरेस्ट बेस कैंप की जर्नी ख़त्म होती है। बाय गाइस, टेक केयर। यस मैन।